Hey guys, welcome back to my channel नई जर्नी और मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है फ्रॉम केरला ट्रेवल सीरीज। सो टुडे आई एम इन मुन्नार, सो वेरी ब्यूटिफुल मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रॉम मुन्नार। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ लोकल साइट सीन, और मैं आपको साथ में ये भी बताऊँगी इसमें कि आप जो लोकल प्लेसेस विज़िट करनी है वो कैसे करेंगे, प्राइवेट टैक्सी का क्या खर्च होगा, तो आप किस तरह से सारे प्लेसेस को ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपका लाइक कितना खर्चा होगा यहाँ पर आके, आप कैसे घूमेंगे, आप टैक्सी करेंगे, एक्टिवा करेंगे, तो वो आपको कितना कितने का चार्ज करेगी। तो मैं आपको इस सब सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। मुन्नार केरला का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, मुझे तो मुन्नार घूमकर बहुत ही मज़ा आया। एंड बात करूँ यहाँ तक पहुँचने की, तो यहाँ की सबसे नियरेस्ट सिटी है कोची, जहाँ पर आप रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट दोनों ही मिल जाएंगे। तो मेजरली लोग यहाँ अपनी मुन्नार की जर्नी कोची से ही स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अराउंड 110 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है मुन्नार से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, सब दिखाने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो बस बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। तो आइए और आप मेरे साथ घूमिए मुन्नार। अब आप जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आपको हर तरह के ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मुन्नार आके यहाँ पर इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आप यहाँ पर आकर टू व्हीलर रेंट पर ले लें, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 600 से 700 के बीच में, एंड पेट्रोल के चार्जेस एक्स्ट्रा फॉर वन डे। और हम भी टू व्हीलर का सोच रहे थे, पर वेदर बहुत ख़राब है, बारिश का मौसम बन रहा है, हमारे साथ छोटा बेबी है, तो हमने टू व्हीलर को कैंसिल कर दिया है। एंड देन यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं आप। प्राइवेट टैक्सी डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस इंक्लूड कर रहे हैं अपनी आइटनरी में, एंड क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने तो डिसाइड किया है कि हम लोग कैब ही करेंगे, टैक्सी ही हायर करेंगे, बिकॉज बारिश का मौसम है, हम लोग के साथ बच्चा है, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे टैक्सी कितना चार्ज किया हम लोगों ने और वो कितना चार्ज बता रहा था। तो मैं टैक्सी का सारी इन्फॉर्मेशन आपको करने के बाद देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा केरला में थर्ड डे है और इस टाइम हम मुन्नार में हैं, और अब हम लंच ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलते हैं फिर घूमने, कहाँ कहाँ जाना है ये फिर मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद बताती हूँ। ओके बाय। अभी यहाँ पर धूप निकली हुई है, वेदर साफ है, पर कल बहुत ठंड थी, धूप की वजह से आज कम ठंड है और थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। हम लोग यहाँ से बैठ के जा रहे हैं। तो गाइज अभी तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे बस स्टैंड और वहाँ पता करेंगे कि ऑटो कितना चार्ज कर रही है और जो कैब है टैक्सी है वो कितना चार्ज करेगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बस स्टैंड पहुँच कर ही दूंगी। तो अभी तो बहुत तेज़ भूख सी लग रही है, तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद जाते हैं बस स्टैंड। तो हम पहुंच गए हैं सरवाना रेस्टोरेंट, जहां पर हम लोगों ने नाइट में डिनर किया था और यहां का बहुत ही डिलीशियस था खाना। तो अब हम पहुंच गए हैं यहां ब्रेकफास्ट करने और यहां पर हम लोगों ने ऑर्डर किया है कॉफ़ी चाय, और इसके बाद हम लोगों का आने वाला है डोसा, जो पता नहीं कैसा होगा, पर देखिए ये लेकर, ओ माई गॉड, ये तो बहुत बड़ा डोसा है और इसको खाएँगे हम, और ये पूरा घी में बना हुआ है, और खाकर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा है। We have done breakfast and अब हम ATM से पैसे निकालने आए हैं, तो ATM से पैसे निकालने के बाद स्टेशन पर फिर मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वेदर चेंज होने लगा है।
देखिए, जब मैं मॉर्निंग में निकली तब धूप थी और अब फिर से वेदर चेंज होने लगा है, बारिश का मौसम बनने लगा है और कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी जब हम लोग आए थे, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। हमारे पैसे नहीं निकल रहे हैं, हमारा तीसरा एटीएम है जहाँ हम ट्राई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो पैसे लेकर ही चलें, पता नहीं एटीएम से पैसे निकलते हैं। एटीएम ढूंढ रहे हैं हम लोग, एटीएम तीन चार एटीएम ट्राई कर लिए पर पैसे नहीं निकल रहे उसमें, कैश नो अवेलेबल। आप जब भी आए ना कैश लेकर आएँ, वरना आप कैश निकालने में भी बहुत टाइम बर्बाद हो रहे हैं। हमें ये एटीएम दिख रहा है और अनूप यहाँ से पैसे निकालने जा रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखना है भाई। ये लड़की, कहाँ जा रहे हो आप? आने बताओ, आप कहाँ आए हो, कहाँ आए हो आप? घूमने करने। घूमी करने आई है आन्या। तो हम पैसे निकाल रहे हैं, तो इस एटीएम में पैसे निकल आए। आप तो गाइज, हम आ गए हैं KSRTC के बस स्टैंड पर। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखा था जो यहाँ पर KSRTC के गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और मैंने जो यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी का चार्जेस है ना, वो मैंने आपको बता दिया है कि इस कॉस्ट में पड़ेगा, और टू व्हीलर का भी मैंने कॉस्ट यहाँ मेंशन कर दिया है कितना पड़ेगा। हाँ, तो फिर यहाँ पर जो KSRTC के गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है टूरिस्ट के लिए, यदि आपको बहुत ही लाइक टाइट बजट में या लो बजट में यहाँ मुन्नार घूमना है तो आप यहाँ पर लोकल साइट सीइंग की बस ले सकते हैं, जिसकी टाइमिंग एंड रेट स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए कितना, मतलब 200 से 300 में ही कुछ साइट सीइंग की बस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करते हैं एंड टाइमिंग मेंशन है, आपको यहाँ पर कितने बजे चलती है, इवन कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है, तो आप इजिली इंक्वायर कर सकते हैं वन डे प्रायर ऑन योर ट्रिप। पहले मेरा पहले यही प्लान था कि लोकल साइट सीइंग बस ही से कर लेती हूँ, मतलब क्योंकि सिंस यहाँ बहुत ही बजट फ्रेंडली थी, पर बात यह है कि टूरिस्ट प्लेसेस में मैंने कवर करने के लिए जो ऑप्शन रखा था वो इसमें नहीं है। तो फाइनली हमने टैक्सी हायर कर ली है और ये भैया हमारे ले जाएंगे। विल कवर दिस 9 points टू या टोटल 11 points। तो हम लोगों ने कैब कर ली है वो, और वो फाइनली 1600 में माना है, वो 2000 मांग रहा था, फिर उन्होंने बोला कि भाई हम सिर्फ दो लोग ही हैं और कॉस्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर चार डायरेक्शन है, चार डायरेक्शन की तरफ आप अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहली डायरेक्शन है माडुपट्टी डायरेक्शन, जो यहाँ की मेन हाईलाइट है, या कह लीजिए 90 से 95% लोग यहाँ पर आकर इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करते, बिकॉज दैट्स सम मेन पॉइंट जो मुन्नार को एक्सप्लोर करना बनता ही है। देन दूसरी डायरेक्शन है कोची की, एंड थर्ड है यहाँ पर कोयम्बटूर, एंड फोर्थ है यहाँ टेकडी डायरेक्शन। तो ये सब अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं और ये डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्सप्लोर करना है, तो डिपेंड करता है आपके मूड पर कि आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मुझे एक्सप्लोर करनी थी माडुपट्टी वाली डायरेक्शन, जो कि मैं कर रही हूँ, और अभी मैं आई हूँ बोटैनिकल गार्डन, जो कि देखिए आप यहाँ एंट्री फीस लिखी है 50 रुपये और जो चिल्ड्रन की फीस है वो 25 रुपीज है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर टिकट ले लेते हैं, तो हम लोगों ने अपने 2 टिकट लिए, बेबी का टिकट नहीं लगेगा क्योंकि वो अभी सिर्फ 2 ईयर्स की है, और यहाँ पे जो चिल्ड्रंस का टिकट चार्ज है वो 5 ईयर्स के ऊपर ही चार्ज करते हैं। तो जल्दी से हम अपना टिकट ले लेते हैं और चलते हैं गार्डन को एक्सप्लोर करने। मैं आपको बता दूं, जो ये बोटेनिकल गार्डन है ये साउथ इंडिया के बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, और यहाँ पर आपको हर टाइप के कैक्टस देखने को मिलेंगे, और लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कवर करवाऊंगी, और मैं बोटेनिकल गार्डन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप इसको पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं।
बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ पर, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जो व्यूज़ देखने को मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहाँ बहुत टाइप के कैक्टस फ्लावर्स, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर आकर। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप बोटैनिकल गार्डन ज़रूर विज़िट करें। और देखिए आप यहाँ पर लोग फोटो शूट भी करवा रहे हैं, काफ़ी फोटो क्लिक करवा रहे हैं लोग। और देखिए कितना खूबसूरत गार्डन है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच अ नाइस प्लेस, सच अ नाइस गार्डन। गाइज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बता दूं आपको यहाँ पर कि यहाँ जियो और एयरटेल दोनों ही वर्क नहीं करता। मेरी सिम एयरटेल की है जो वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पर BSNL ही वर्क करता है। तो आप यदि आते हैं तो BSNL की सिम यदि है आपकी तो वो ज़रूर आपको हर जगह काम करेगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ ट्रांसपोर्ट का वो ऑटो का है। तो जो मैंने माडूपट्टी के लिए ऑटो पूछा था, एक तो उन भैया ने चार्ज किया था 1200 रुपये विदाउट बार्गनिंग, तो 1200 रुपीज़ इज़ वेरी गुड अमाउंट बिकॉज ये ट्रिप हमारा 60 से 70 किलोमीटर का ट्रिप है, तो 1200 इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्राइस है। और बस में ना टॉप हिल स्टेशन कवर नहीं कर रहे थे इसलिए उसको हमने कैंसिल कर दिया था। तो इट्स टाइम टू एंजॉयिंग व्यूज़ नाउ, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, तो आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए। तो गाइज ये जो जगह है ये फोटो पॉइंट है और यहाँ पर लोग आते हैं फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और यहाँ का व्यू सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, और मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ के कितना प्यारा नज़ारे हैं, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। और आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, कई लोग यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करते हैं। यहाँ बहुत ही न्यू कपल भी आए हुए हैं तो वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आते ही आते हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। यहाँ के व्यूज़ इतने प्यारे हैं इसीलिए शायद इसे फ़ोटो पॉइंट बोला जा रहा है। तो देखिए आप मेरे साथ ये व्यूज कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो ये व्यू है, यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और जस्ट सामने यहाँ शॉप लगी हुई है जहाँ खाने पीने का और कुछ सामान छोटा मोटा मिल जाता है यहाँ से, तो आपको परचेस कर सकते हैं यदि करना है तो। बाय द वे यहाँ के व्यूज़ तो बहुत ही प्यारे हैं, वैसे तो मुन्नार इंटर करते ही बहुत ही प्यारी खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं माडूपट्टी डैम। माडूपट्टी डैम जाते टाइम हमें ये एलिफेंट पार्क भी दिखा, तो ये भी हम लोगों ने कवर किया और हम इसमें गए और हमने एलिफेंट देखा, पर हम लोगों ने एलिफेंट राइड वगैरह नहीं किया, बस हम लोगों ने थोड़ा सा देखा और वहाँ से हम लोग जल्दी से निकल दिए। और यहाँ एलिफेंट बहुत मज़े से खाए जा रहे हैं फ्रूट्स, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ के चार्जेस वगैरह मैं आपको बता दूँ तो यहाँ 700 वन पर्सन का चार्ज करते हैं, और यदि आप कपल हैं मतलब मिनिमम 2 पर्सन का यहाँ पर चार्जेस है 1400, तो आप यहाँ आकर एलिफेंट राइड कर सकते हैं।
तो गाइज अब हम एक्सप्लोर करेंगे माधुपट्टी डैम, जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ के भी व्यूज बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।